ऑफ गैश। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, और आज मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज 23 तारीख है, अभी मैं होटल में हूँ। तो अभी मेरे पास ऑर्डर आया है आलू पराठे का। तो अभी मैं किचन में गया तो आलू ख़त्म हो गए हैं, तो मैं चलता हूँ दुकान से, आलू ख़रीद के लाता हूँ, फिर अपना ऑर्डर लगाता हूँ। यहाँ पे बैठा है तो देखते हैं, आलू लेते हैं यहाँ से। अंकल को बोलते हैं 1 किलो आलू लगा दो, अंकल 1 किलो आलू दे दो, पनीर दे दो। आलू अच्छे क्वालिटी होने चाहिए, ठीक है। ऑर्डर आया है ज़रा 1 किलो। हाँ तो दोस्तों, तो ये हमारे अंकल जी यहाँ पे। दोस्तों तो आलू अच्छे हैं, अंकल जी ठीक है, 1 किलो हो गए हैं प्रॉपर। 1 किलो आलू ले लिए हैं और अब चलते हैं होटल में और इन्हें उबालते हैं। हेलो गाइस, तो आलू ला दिए हैं तो इन्हें बॉईल करने के लिए रखता हूँ। पास हो चुके हैं तो इन्हें उबालने के लिए रखता हूँ। आलू उबालने रख दिए हैं तो चलते हैं, 20 मिनट का इंतज़ार करते हैं, फिर आते हैं 20 मिनट बाद। दोस्तों जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं तब तक हम नहा के आते हैं, तो चलते हैं ऊपर कमरे में और नहा के आते हैं। सुबह सुबह काफ़ी दिक्कत होती है, तो दोस्तों चलेंगे रूम में। नहा लेते हैं पहले, तो मैंने कल कपड़े भी भिगाने डाले थे, ये भी धोने पड़ेंगे। अभी भी चुके हैं ये अच्छे से, ये भी वॉश करने पड़ेंगे। और अपने रुमाल को भी धुल देता हूँ फटाफट, नहाने के बाद इन्हें भी निकालना पड़ेगा। गाइस तो कितना गंदा हो रखा है ये, प्रॉपर ही सफाई नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा तो मिलते हैं फिर, तब तक नहा के आता हूँ मैं, फिर उसके बाद मिलेंगे। नहा के तैयार हो गया मैं, तो चलते हैं अब। आलू बॉयल हो चुके हैं हमारे, तो पराठे बनाने चलते हैं। तो दोस्तों तो आलू हो चुके हैं, तो इन्हें कद्दूकस करता हूँ अभी। दोस्तों तो 5 आलू बॉयल करे थे मैंने, अब बॉयल हो चुके हैं। इसमें प्याज कटिंग करेंगे, आलू प्याज का मिक्स पराठा है तो प्याज भी कटिंग करेंगे। हेलो गाइस, तो नाश्ता हो चुका है, तो अभी मेरी सब्जी आया है, तो अभी हम अपनी ऐप स्टार्ट, लैपटॉप ऑन करता हूँ।
और उसमें आज जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है उन्हें देखेंगे, जितने भी हमारे रिकॉर्डेड बैच है PW के उन सबको आज देखेंगे। तो पहले इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज, तो अभी मैं लैपटॉप खोलता हूँ। फिर तो दोस्तों लैपटॉप स्टार्ट कर दिया हमने, तो इसमें खोलेंगे। हेलो गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ कंप्यूटर का, तो इसके बाद मैं अभी नटराज जाने वाला हूँ, मेरा कुछ काम पड़ गया है तो अर्जेंटली मुझे जाना पड़ेगा बीच में क्लास छोड़ के। तो अभी मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, फ़ोन भी मेरा एकदम लो हो गया है, तो फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं रेडी हो चुका हूँ, तो नटराज चलते हैं, बाइक से जाएंगे। आई एम गो। हेलो गाइस, तो अभी नटराज में हूँ। तो गाइस, तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, अभी नटराज में पहुँच चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो रखा है, तो मैं यहाँ पे अपना काम करूँगा उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ। हेलो गाइस, तो मैं स्टिंग ले आया, मेरे को प्यास लग रही थी, अभी अभी मैं पहुँचा हूँ नटराज से होके आया, तो मुझे काफ़ी प्यास लग रही थी, तो मैं स्टिंग ले आया, काफ़ी थकान से महसूस हो स्टिंग ले आया मैं। मैं रोज पीता हूँ से और चिप्स लाया है, लेस बेटर टेस्ट। गैस इसे पीने से एनर्जी भी आती है और इसके काफ़ी नुकसान भी है। तो अभी नटराज से जब मैं आया, तो मैं वहाँ से पेन ड्राइव लेके आया, जो भी शादी की जितनी फ़ोटो थी तो पेन ड्राइव में थी, तो मैं सारी पेन ड्राइव से जितनी फ़ोटो सबको कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में डाल रहा हूँ। कॉपी हो रही है सारी फ़ोटो, 1200 फ़ोटो से ऊपर है, 1250 फ़ोटो है, सारी कॉपी हो रही है और इसके अंदर है सारी फ़ोटो आ रही है, ये फोल्डर है मेन। अभी 40% कॉफ़ी हुआ है तब से, और जब तक कॉफ़ी होता है तब तक हम खाना खा के आते हैं, तो हमारा लंच रेडी हो चुका है, तो हमें चलते हैं लंच खाने। दोस्तों हमारा खाना तैयार हो चुका है, तो आ जाए हमारी मसूर की दाल है और ये हमारी राइस है, तो हम प्लेट लेते हैं यहाँ से और इसे पहले वॉश करेंगे ढंग से। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारे स्टडी का टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में पॉलिटिकल, तो अभी मैं इसके बाद हमारा 4 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम हम पढ़ते हैं अपनी ज्योग्राफी और 5 बजे हम साइंस पढ़ते हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो 4 बज चुके हैं और अब हमारा ज्योग्राफी का टाइम हो चुका है, अब ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के नोट्स खोलेंगे और आज हम ज्योग्राफी में जो सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर है, आज हम अपने यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करेंगे और अपनी गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारे, और अपने सौर मंडल तथा अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। हेलो गाइस, 5 बज चुके हैं और चाय पीने का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं फिर किचन में, चाय बन गई होगी, तो देखते हैं हमारी चाय बनी कि नहीं बनी। कहाँ है, किधर है? दोस्तों चाय बनने के लिए। हेलो गाइस, हमारा शंकर जोशी आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे हल्ला हो रखा है, दोस्तों चाय बन चुकी है, कैलाश भाई है और मेरा सगुन भाई है छोटा, ये है मेरा लड़का है बड़ा वाला, जो साथ काम करता है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रिज है यहाँ पे और ये सगुन भाई की बियर रखी है यहाँ पे, सगुन बच्चा है, कितना साफ़ है ये, जो मैंने इसको बोलिए पकड़े थे अप्पा अप्पा बोला। तो गाइस चाय ले आया मैं,
तो चलते हैं अपने काउंटर पे। हेलो दोस्तों, तो शाम का टाइम हो चुका है और अभी भी यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगा है, तो वॉकिंग का टाइम है, तो चलते हैं वॉकिंग करने के लिए नेपाली फार्म। हेलो गाइस, गुड इवनिंग आप सभी को। तो अभी हम नेपाली फार्म में आ गए हैं, तो अभी वॉकिंग करते करते बहुत दूर आ गए हैं होटल से। तो यहाँ पे अभी शाम का नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है, तो आप सभी को दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। गाइस, ये जो रोड जा रही है देहरादून के लिए जा रही है यहाँ पे, और जो ये फ्लाईओवर आ रहा है यहाँ पे हरिद्वार से गाड़ी डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए जाती है, अरे फ्लाईओवर के नीचे है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है शाम के टाइम, और यहाँ पे सिटिंग जो प्लान है काफ़ी अच्छा है, तो लाइटिंग टू गुड। आज का जो ब्लॉग है वो ख़त्म हो गया है, शाम के बज रहे हैं अभी 6:30, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना जिस जिसने नहीं किया है, और फिर कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं।